अज बठिंडा के बस स्टैंड विखे सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे वालों अपन मंगों लेके बस स्टैंड जम किया गया ते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। हड़ताल है क्यों भी चल रही है? मेरा नाम संदीप सिंह है जी। मैं PRTC पन बस से पंजाब रोडवेज कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन का बठिंडा डिपो का डिपो प्रधान है जी। अज जी जी सू कॉल आई सी सांझे संघर्ष मोर्चे की कॉल के तहत असी जो कि प्रोग्राम चार घंटे का बस स्टैंड कल तो अज का बंद किया होगा। साडिया उही मंगा जी रेगूलर करन दी बराबर काम बराबर तनखा दी जी साडी मंग है जी। तो जेकर सरकार साडिया मंगा नहीं मानती फिर भी सरकार के कान से कोई जू नहीं छिड़कती तो सा 9, 10, 11 अगस्त की जी मुकम्मल हड़ताल है हड़ताल करा उसके उपरंत भी जेकर अपनी नींद चो ना जागे तो फिर जी सा हड़ताल अगली अणमिथे समय लिए जाऊगी। अगे थोड़ी होर की मंग है जिदा कि 2022 वोटा भी आ रही हैं उस थोड़ी की रणनीति रहेगी? साड़ी रणनीति यही है जिदा सरकार मंगा मानती है ठीक है नहीं असी पहला भी भंडी प्रचार अज तो 2 महीने शुरू किया बसा के वो असी भंडी प्रचार फिर तो शुरू करा बसा च भी करा तो पिंड पिंड जाके भी करा असी और सारे भंडी प्रचार चंगी तरह करा। नरेंद्र सिंह सवाई आगू ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा जिहड़ा ये बठिंडा स्टैंड बठिंडा बस अड्डा जाम किया गया है ये ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे की कॉल से सदे से पन बस रोडवेज द्वारा जाम किया गया से दूजिया भरातरी जथेबंदियां चाहे साडी पंचायती विभाग हो चाहे मनरेगा वाले हो चाहे इत्थे किरत विभाग वाले जल सप्लाई वाले हो सांझे तौर पर यह बंद किया गया क्योंकि साडी मंग यह है पिछले 15-15 साल तो बहुत निगुणिया तनखाहां ते कच्चे असी काम कर रहे हैं चाहे वह अकाली भाजपा सरकार होने साडे नाल वादा किया चाहे मुलाजम वेलफेयर एक्ट 2016 बनाया उसके तहत रेगूलर करा तो चाहे इस कैप्टन ने सत्ता चाण तो पहला कहा असी पहली कैबिनेट च कच्चे मुलाजमों को पक्के करा फिर इतने वो मुलाजम बैठे है जिहड़े कच्चे है चाहे वह रोडवेज पन बस हो चाहे वख वख भागों के होर हो क्योंकि उन्हों का शोषण हो रहा है 3-4 महीने इन्हों का समा रह गया तो इतों का कैप्टन इतों का वित्त मंत्री तो इतों विभागों के मंत्री कोई गल कर तैयार नहीं कोई मिलने तैयार नहीं पहला तो वो मीटिंगा नहीं देंगे जो मीटिंगा देंगे है तो वे लेके कुछ नहीं आते तो फिर पिछले साल तो ये कह रहे हैं वे असी एक सांझी नीति पॉलिसी बना रहे हैं जिदे तहत सारे जिहड़े कच्चे मुलाजम वो पक्के हो जाएंगे तो जदों वो नीति पॉलिसी लेके आए हैं वो 66,000 इतने ढंडोरे पिट रहे हैं बड़िया बड़िया फ्लैक्सा ला रहे हैं गल्लां कर रहे हैं भी 66,000 मुलाजम कच्चों तो पक्के हो जाएंगे वो किहड़े मुलाजम पक्के हो जाएंगे क्योंकि अज भी वो विभाग आपदे आपदे दफ्तर मूहरे बस अड्डे मूहरे बैठे है धरने लाई ना इतने रोडवेज वाले ने पक्के होना है ना नरेगा वाले ने पक्के होना ना थर्मल वाले ने पक्के होना ना टीचर ने पक्के होना ना किरत विभाग ने पक्के होना ना जल सप्लाई वाले ने पक्के होना फिर वो 66,000 मुलाजम किहड़ा है वो की लैके आए हैं भरावो ये सानू लुट रहे हैं इसलिए असी आपदे आपदे महकमे तो बाहर आके आप दी जिंदगियां बचाउण लई आपदे महकमे बचाउण लई आपदा रुजगार बचाउण लई आपदे परिवार बचाउण लई हुण असी सिर धड़ दी बाजी लावांगे तां ही अज साडा दूजा दिन संघर्षी जिहड़ा 3 ते 4 अगस्त नूं असी पंजाब भर च समुचे कच्चे मुलाजमां ने छुट्टी लैके काम जिहड़ी काम छड्डो हड़ताल करी हुई है उसके तहत अज दूजे दिन का प्रोग्राम है साडा। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਤ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।